टू अवर व्यूअर्स इन अवर शो कॉल्ड वास्तुशास्त्र मयंक रावल मैं आपकी होस्ट मेधा अंताड़ी और आपके साथ स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित मयंक जी का भी मयंक जी स्वागत है आपका नमस्कार बहुत अच्छी अच्छी बातें आजकल हो रही है भाई वास्तु को लेके रंग शास्त्र और वास्तु शास्त्र के बारे में हमने जाना इसके बाद हमने कर्म धर्म क्लाइमेट के बारे में भी जाना बहुत सारी बात हमने जानी पर सबसे जरूरी बात होती है हमारे मन की शांति मन चंगा तो भाई कठौती में गंगा ऐसे कहा जाता है पर मन को चंगा कैसे रखे क्या वास्तु से मन की स्वस्थता मिल सकती है क्या मन की शांति से भी वास्तु जुड़ा हुआ है सारी बातों के बारे में हम जानेंगे महक जी से तो जैसे कि महक मैं जी मैंने दर्शकों को बताया कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हमने चर्चा की है आपने जगह जगह पे बताया भी है कि ये स्थान पे अगर पर्टिकुलर कोई बेडरूम नहीं है या फिर किचन नहीं है तो मन थोड़ा अस्वस्थ रहता है तो कहीं ना कहीं से जुड़ता है कि वास्तु और मन की स्वस्थता या शांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप थोड़ा डिटेल में समझाएं कि कैसे मेरे पास ज्यादातर जो क्लाइंट आते हैं वो आते हैं कि पैसे बढ़ाओ जिनके पास बहुत सारे पैसे वो भी बोलते हैं कि और पैसे और पैसे चाहिए फिर मैं जब बात करता हूँ तो उनको पता चलता है कि नहीं ये पैसे वाला प्रॉब्लम नहीं है मन अशांत है जी इसलिए उनको ये द्विधा है कि नहीं पैसे चाहिए दरअसल उनको मन की शांति चाहिए आदमी के पास सब कुछ है जी। लेकिन उनका मन जो शांत नहीं है तो उनको तकलीफ रहती वो है वो तो पैसे से भी नहीं खरीदी खरीदी नहीं जा वो खरी सकती है अल्टीमेटली उनको पता चलता है कि अरे हम तो इतना डोनेशन देते हैं ये करते हैं क्योंकि हमें मन की शांति चाहिए लेकिन वो पैसे से नहीं मिल रही जी, है जी। तो इंसान को जो सबसे ज्यादा ज़रूरत है वो मन की शांति है और वास्तु जो है मैं बार बार बोलता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी देता है पॉजिटिव एनर्जी है उससे आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसको ये ख्याल आता है कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए तो वो जब पता चल जाता है कि मुझे मन की शांति चाहिए तो उसका जो कार उसका जो कार्य है उसकी जो सोच है वो बदलनी शुरू हो जाएगी और उससे बेनिफिट भी उसको मिलता है दूसरा मन हमारे जो ब्रह्मस्थान है सेंटर ऑफ द हाउस है वो मन से जुड़ा हुआ है यानी उसको संभालना बहुत कठिन है क्योंकि नॉर्मली ब्रह्म के बारे में बहुत सारी मिथ चल रही है जैसे कि ब्रह्म है वो आकाश तत्व को कर रिप्रेजेंट करता है अभी आकाश जैसा कोई तत्व ही नहीं है स्पेस अवकाश अवकाश बिल्कुल तो अवकाश जो है उसको समझना जरूरी है तो लोग जो ब्रह्मस्थान है वो ऊपर से खोल देते हैं कि आकाश दिखना चाहिए तो स्पेस तो वैसे भी वहाँ पे है खाली जगह छोड़ दी है वहाँ पे क्लटर्स नहीं रखने हैं वो समझने की बजाय वहाँ पे पौधे लगा देते ट्रीज लगा देते और आकाश दिखाते हैं तो ब्रह्मस्थान डैमेज हो जाता है उससे मन की शांति चली जाती है तो पहले तो वास्तु को समझना जरूरी है कि उसमें क्या बात कही गई है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है उसका डिपिक कैसे करते हैं उसको समझते कैसे जब तक उसको समझेंगे नहीं उसकी प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी जी बिल्कुल तो जैसे आपने कहा कि ब्रह्मस्थान हमें खाली रखना है क्लट ऑफ फ्री रखना है तो जैसे कि फ्लैट है ये आप घरों की बात करते हैं पर जैसे हमारे मुंबई में या महानगरों में फ्लैट होते हैं चाहे छोटे हो या बड़े वहाँ ब्रह्मस्थान कैसे हम इस्ट करें कि ये पर्टिकुलर जगह को ब्रह्मस्थान कहते हैं बहुत अच्छा सवाल है नॉर्मली लोग ये मानते हैं कि इट्स अ पॉइंट सेंटर ऑफ द हाउस जो है वो ब्रह्मस्थान है वो पॉइंट नहीं है बिंदु नहीं है उसको स्थान बोलते हैं स्थान यानी जगह एरिया जी तो पूरा जो बिल्डिंग है या तो पूरा जो प्लॉट है उसको लेंथ और विथ दोनों साइड से तीन तीन भाग में इक्वली डिवाइड कर दे तो नौ पार्ट बनेंगे राइट तो नौ में से बीच का जो एक हिस्सा है पूरा सेंटर में जो हिस्सा है उसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं। जो बीच है। का स्क्वायर बनेगा हाँ। 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 तो उतना पोर्शन है उसको ब्रह्मस्थान बोलते है अभी दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है की मुंबई में ब्रह्मस्थान में तो कंस्ट्रक्शन होगा क्योंकि छोटी छोटी जगह होती है तो ब्रह्मस्थान में हो सकता है टॉयलेट आता हो ब्रह्मस्थान में हो सकता है कि वो किचन आता हो जी तो वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म में जो भी काम करते हैं उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं नहीं। तो मन की शांति चली जाएगी लेकिन यहीं पे वास्तु असर करता है कि उसका जो बैलेंसिंग का जो थियोरी है जी। तो बैलेंसिंग की थियरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें जरूर मिलेगा क्योंकि जहाँ पे चैलेंजेस है वहाँ पे ही अपना नॉलेज ज़्यादा काम लगता है जैसे कि आपने बताया कि जहाँ चैलेंजेस है वहीं पे ये नॉलेज आती है तो इसको बैलेंस करें तो कैसे करें जैसे आपने बताया हमारे दर्शक भी अभी जान चुके होंगे कि ब्रह्मस्थान अपने आप अगर प्लान लेके बैठे हैं तो थोड़ा बहुत आप जान गए होंगे आपका अपना जो मैप हो वो ले कर कि यहाँ पर मेरे ब्रह्मस्थान में कुछ ना कुछ है या तो जैसे बताया आपने टॉयलेट है या फिर कोई स्टोर रूम है स्टडी रूम है कुछ तो है इसको नलीफाई करने के लिए बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है ब्रह्मस्थान में क्या चीज रखी है वो पहले स्टडी करना बहुत जरूरी है और वो स्टडी करने के बाद अलग अलग सॉल्यूशंस भारतीय वास्तु में दिए गए हैं। उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्म में अगर वाइट लाइट रखी जाए यानी कि सफेद जो लैंप आता है वो लगाने के बाद जो संध्या समय होता है वो टाइम पे वन आवर के लिए हम चालू कर देते हैं तो जो ट्रांजिशन टाइम है यानी दिन में से रात जब होती है उसकी एनर्जी जो होती है उसकी नेगेटिविटी अपने घर में नहीं आती है जी। तो उसको बैलेंस कर देता है क्योंकि कंटिन्यूस एक सोर्स ऑफ लाइट वहाँ पे रहता है, है। और वो नेचुरल लाइट नहीं है दूसरा सोल्यूशन ये भी है कि महामृत्युंजय मंत्र जो है तो उसका पठन करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म से रिलेटेड मन से रिलेटेड वो मंत्र है वो मन को शांत करता है तो ब्रह्म का कोई दोष है तो ये सारी प्रक्रिया से उसको नलीफाई किया जा सकता है जी बड़ी ही अच्छी बात बताई ब्रह्मस्थान के बारे में और मन की शांति वास्तु से कैसे प्राप्त की जाए उसके बारे में आगे भी बहुत सारी जानकारी लेंगे पर यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हम जानेंगे एक नया प्लान उसकी डिस्कशन और क्या क्या टिप्स मयंक जी देते हैं उसके बारे में ये सारी बातें ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लान जो कि छत्तीसगढ़ से भेजा है सिंह जी ने इनका अपना एक डाइनिंग रेस्टोरेंट जैसा है जहां पे खाना परोसा जाता है तो अपना जो डाइनिंग बार है उसका प्लान इन्होंने भेजा है ये एक अनोखी चीज है कि जो अपना एक डाइनिंग बार चलाते हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं या फिर क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन है क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या किया जा सकता है ताकि उनका कारोबार और चले बता देते हैं पहले तो ये देखना है कि वो क्या एग्जैक्टली exactly करते हैं क्योंकि डाइनिंग हॉल वो चलाते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ पे है तो एंट्री बहुत अच्छी है क्योंकि प्लॉट की एंट्री नॉर्थ सेंटर से आती है और बिजनेस जो हम करते हैं उसमें जो एंट्री नॉर्थ सेंटर से होती है तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत मिलता है लेकिन उन्होंने एक गलत चीज़ ये की हुई है कि जो उनके स्टेप्स हैं वो सेंटर से बाहर निकाली हुई तो वो प्रोजेक्शन आता है वो प्रोजेक्शन की वजह से कॉन्फिडेंस चला जाता है इसलिए अच्छी जगह है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा एक अच्छी बात ये भी है कि जो मार्जिन उन्होंने छोड़ा हुआ है वो साउथ से बहुत ज़्यादा नॉर्थ में छूटा हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है वो पॉजिटिविटी देता है उनका जो रिसेप्शन है वो इस तरीके से है कि वो एंटर होते ही रिसेप्शन का टेबल नॉर्थ फेसिंग है तो वो अच्छा माना जाता है बिज़नेस के लिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे वो कैश कलेक्ट करते हैं लेकिन रिसेप्शन का जो एरिया है वो एंटर होने के बाद राइट साइड पे है यानी कि वायु कोने में है तो वहाँ पे जो लोग बैठेंगे वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे वो आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देंगे कि भाई जल्दी करो जल्दी करो हम जी, कितने टाइम से बैठे हुए क्योंकि तो वायु है तो मूवमेंट वहाँ पे चाहिए तो वो मूव होना चाहेंगे और दूसरा वो नॉर्थ फेसिंग बैठे हुए है पूरा जो सिटिंग है वो नॉर्थ को फेस करता है तो जब नॉर्थ फेसिंग बैठते हैं तो भौतिकतावादी ख्याल आ जाते हैं यानी वहाँ बैठने के बाद वो कैलकुलेट करेंगे कि इतना टाइम हम बैठे फिर भी ये नहीं हुआ तो वह कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे right. तो वो ओरिएंटेशन चेंज करना जरूरी है mm -hmm. उनको ईस्ट फेसिंग कर देना चाहिए mm -hmm. तो वो बेनिफिशियल रहेगा जी. उनके दो ऑफिस मुझे दिखाई देते हैं एक ऑफिस जो है mm -hmm. वो नॉर्थ ईस्ट में है mm -hmm. और दूसरा जो ऑफिस है वो मुझे दिखाई देता है कि वो पश्चिम की तरफ है तो पश्चिम में जो ऑफिस है उसकी सेटिंग अरेंजमेंट परफेक्ट है कि नॉर्थ फेसिंग वहाँ पे बिठाया हुआ है लेकिन जो दूसरी सेटिंग अरेंजमेंट है उसमें ईस्ट फेसिंग है और घर का और जो आदमी बिजनेस करता है वो अगर ईस्ट फेसिंग बैठेगा तो वो किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में फ्री में काम करने लगेगा और बिजनेस में अगर हम सिर्फ रिश्तेदारी देखते हैं तो कुछ कमा नहीं पाएंगे एक बहुत अच्छा डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा, तो खाएगा क्या, क्या? <laughs> तो वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा और ये तो खिलाने का ही काम है इनका जी जी। तो उनको खुद को खाने के लिए वो पैसे कमाने बहुत जरूरी है।, है।, है एक बड़ा वास्तु दोष मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मन से जुड़ी हुई बात है उसी के रिलेटेड है ठीक सेंटर में उनके स्टायर के साथ ही है ब्रह्म में जो अभी हमने डिस्कस हाँ किया। तो ब्रह्म में जब स्टेरकेस आती है तो बड़ा दोष माना जाता है क्योंकि पूरा वेट है पूरा एलिवेटेड चीज कोई ऊपर तक जाती है तो वो सब की वजह से ये होता है कि मन काफी डिस्टर्ब रहता है और वो दिख रहा है कि वो बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है काफ़ी confused है काफ़ी कंफ्यूज एक दूसरी अच्छी बात ये है कि उनका जो एक्चुअल बिजनेस वाली जो जगह है वो साउथ में उन्होंने रखी हुई है जी। और वहाँ पे टेबल्स लगाए हुए हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग बैठने वाले हैं तो उसका बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा लेकिन ये जो जगह है उनकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए स्टेरकेस के सेंटर में जैसे मैंने अभी बताया कि व्हाइट बल्ब लगा देना चाहिए महामृत्युंजय के मंत्र रोज करने चाहिए और जैसे मैंने बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट है वो चेंज करनी चाहिए उनका जो ईशान वाला ऑफिस है उसकी पूर्व की जो दीवार है उसके ऊपर लाइट पिंक कलर कर देना चाहिए और दूसरी जो ऑफिस है उसकी पश्चिम की जो दीवार है उसके ऊपर रॉयल ब्लू कलर कर देना चाहिए ईशान की ऑफिस के टेबल पे कॉपर के बाउल में अगर गुलाब की पत्तियां रखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और पश्चिम वाली जो ऑफिस है उसके टेबल पे ब्रॉन्स का कोई अगर बाउल ले लेते हैं और उसके अंदर गुलाब की पत्ती और वाइट फ्लावर्स रखेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा और ख़ास ये समझना ज़रूरी है कि ये जो जगह है वहाँ एनर्जी बढ़ाने के लिए गूगल और चंदन का धूप रेगुलर हर जगह पर

उस किचन की भी बात हो जाए क्योंकि ये प्राइम जगह है जहाँ से खाना बनता है अगर खाना स्वादिष्ट नहीं होगा तो कस्टमर्स नहीं आएंगे आएंगे तो भी अनसेटिस्फाइड होके जाएंगे तो किचन क्या कहता है इनका कहाँ पे है या आ, क्या सही बात कहता है।, है क्योंकि जहाँ पे खाना पकता है वहाँ से अंदर जाएगा वो अच्छा नहीं होगा तो तकलीफ ही होगी किचन बहुत अच्छी जगह पे है क्योंकि वो पूर्व में है ईस्ट में किचन है और ईस्ट फेसिंग कुकिंग होता है लेकिन ईस्ट में सात्विक रसोई होती है जो ब्लैंड फूड होता है हुँ. वो यहाँ पे बनता है यानी घर के खाने जैसा वहाँ पे आते हुए लोगों को लगेगा हुँ. एक तरीके से अच्छा है हुँ. कि जिसको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है वो लोग यहाँ पे आएंगे हुँ. लेकिन जिनको बाहर का ही खाना खाना एक है स्पाइसी टेस्ट हाँ. वो टेस्ट यहाँ पे डेवलप नहीं होगा राइट. खाना अच्छा होगा खाने के बाद मजा आएगा लेकिन जो स्पाइसी फूड चाहिए चटपटा जो चाहिए वो उसमें नहीं है तो वो ऐड करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए किचन जो है उसकी जो पूरब की यानी कि ईस्ट वॉल है उसके ऊपर हल्दी जैसा पीला कलर लगा देना चाहिए वो कलर लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और किचन का जो ईशान कोना है वहाँ पे एक कॉपर के कलर्स पे पानी भर के रख देना चाहिए तो जो पूरा किचन है उसकी एनर्जी को वो बैलेंस करेगा और उसमें जो टेस्ट आना चाहिए वो ऐड हो जाएगा तो उससे फायदा होगा तो रुपेंद्र सिंह जी की बात तो हमने जान ली आपने अपनी सारी टिप्स नोट कर लिए होंगे जो जो भी मयंक जी ने उपाय बताए हैं सॉल्यूशंस बताए हैं ये भी आपने नोट कर लिए होंगे इनकी तरह यदि आपके भी घर के लिए या फिर अपने बिज़नेस प्रमासेस या शॉप्स या जो भी चीज़ है इसके लिए आप वास्तु से रिलेटेड कोई टिप्स लेना चाहते हैं सलाह लेना चाहते हैं तो हमेशा यहाँ पर हम आपके निवारण के लिए तत्पर ही है इसके लिए आपको क्या करना है फोन करना है पत्र लिखना है ईमेल करना है और इसके लिए डिटेल्स हम कार्यक्रम के अंत में देते ही हैं। पर अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम जानेंगे आज की भ्रमणा और सत्य जो कि आप ही में से किसी ने हमें भेजा है यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत जैसे मैंने कहा था कि आज हम जानेंगे भ्रमणा सत्य और तथ्य के बारे में आज की एक बात ले लेते हैं हमारे ही व्यूअर्स में से मुंबई के श्रीनिवास जी ने भेजा है इन्होंने कॉल करके पूछा है मयंक जी कि पिरामिड है पिरामिड वास्तु भी एक पहलू होता है तो पिरामिड घर में लगाना कितना उचित है क्या ये लगाने से एनर्जी लेवल बढ़ता है या फिर जो है उसमें कोई अच्छाई बढ़ती है क्या उसका सिग्निफिकेंस है या सिग्निफिकेंस है भी या नहीं पिरामिड लोग ये मानते हैं कि वो चाइनीज़ वास्तु का हिस्सा है हुँ. और अगर वो चाइनीज़ वास्तु का हिस्सा होता तो चाइना में एक नहीं लेकिन दो जी ऐसी चीज़ें होती जिसको हम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं लेकिन <laughs> बिल्कुल वहाँ पे पिरामिड्स नहीं दिखते हैं वो इजिप्ट में दिखते हैं यानी पहली जो मान्यता है वही गलत है दूसरी बात हम सोचते हैं अगर इतिहास में झांकते हैं तो पता चलता है कि इजिप्ट के जो लोग थे वो काफी डरे हुए थे उनको ये लग रहा था कि जो आत्मा जो राजा होता है वो बरने के बाद शायद उसके दिमाग में कोई चीज़ रह गई है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो वापस आएगी और वापस आके हमें परेशान करेगी तो उन्होंने सोचा कि चलो महासिव स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके अंदर उसको कैद कर देते हैं फिर ख्याल आया कि अगर उसको कोई चीज़ चाहिए मान लो कि कोई ज्वेलरी चाहिए तो उसके लिए वो वापस आएगा तो वो अंदर रख दिया खाना चाहिए तो बहुत सारा खाना अंदर छोड़ दिया ये रानी बड़ी प्यारी थी उसको बहुत प्रिय लगती थी रानी को अंदर डाल दिया जिंदा फिर लगा कि उसका जो शरीर है वो मांगेगा एक केमिकल प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया जिसके वजह से वो लाम लंब, वो लंबे समय तक वही स्थिति में रह सके यानी कि पिरामिड के अंदर जो ममीज़ रहते हैं वो शेप की वजह से नहीं रहते हैं वो प्रोसेस हम सब ने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि वो प्रोसेस करते थे तो वो जो प्रोसेस है उसकी वजह से वो प्रिजर्व होते हैं और बड़ोडा म्यूजियम में सौ साल से भी ज़्यादा टाइम्स से विदाउट पिरामिड ऐसा एक बॉडी ममीफाइड बॉडी पड़ा हुआ है वही हालत में है वो खराब नहीं हुआ है तो वो उसका प्रमाण है किंग टट जो इजिप्ट में था उसको लगा कि पिरामिड्स आर नॉट पॉजिटिव तो उससे बोला कि नहीं मुझे पिरामिड में मत बरी कीजिए उसके टाइम से यानी 2000 साल पहले से इजिप्ट में एक भी पिरामिड नहीं बना हुआ है और वैली ऑफ किंग्स में फिर किंग को बरी किया जाता था तो इजिप्ट का राजा अगर मना करता है कि नहीं मुझे पिरामिड नहीं चाहिए तो हमें क्यों चाहिए जी। और पिरामिड्स तो बनते हैं प्लास्टिक से प्लास्टिक तो प्रूव हो चुका है कि इट्स ए पॉल्यूटेड मटेरियल पॉल्यूशन right. है right. पूरी दुनिया जानती है hmm. तो एक पॉल्यूटेड मटेरियल पॉजिटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करके हमें कैसे दे सकता है वो मेरे दिमाग में तो नहीं आता hmm. है लॉजिक ही नहीं है इसमें फिर भी अगर आपको लगता है कि पिरामिड्स आर पॉजिटिव तो फिर आपको सोचना है बिल्कुल क्योंकि ये थोड़ी सी मन की भी बात है कि जो मन को भला लगे या जो आपको डेकोरेटिव रीत से भी या जहाँ से आपको लगता है कि ये मुझे पॉजिटिविटी दे सकता है उसको रखने में कोई हर्ज नहीं है पर इसी को रखने से मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी ये भी एक डर से जीना भी कोई जरूरी चैनल पर मिथ बस्टर नाम का शो आता है जी तो उन्होंने भी अपने एक एपिसोड में ये ट्रायल्स लिए थे और उनको पॉजिटिव रिजल्ट पिरामिड्स के नहीं मिले हैं लेकिन ये जैसे बताए कि इट्स अ साइकोलॉजी है अगर मैं आपको पत्थर दे के बोलता हूँ कि आप पानी में कूद जाइए आप नहीं डूबेंगे तो फिर आपका मन आपको ये प्रेरणा देगा कि नहीं ये पत्थर की वजह से तुम्हें ऊपर रहना ही है तो पत्थर आपको नहीं संभालता है आप पत्थर को संभालते हैं जी जी बहुत ही बढ़िया बात की तो पिरामिड कि जो भ्रमणा थी हमारी ये आज यहाँ पे टूटी है मयंक जी आपने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रमाण के आधार पे हमें बताया कि पिरामिड से कोई पॉजिटिविटी नहीं बढ़ती पर हाँ आपने अपने मन की श्रद्धा का ये सब्जेक्ट है तो आपके मन में भी कोई भी दुविधा है या कोई सवाल या जिज्ञासा है तो हम तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं ये बात हो गई हमारे व्यूअर्स के भ्रमणा तथ्य सत्य के बारे में अब जानते हैं है मयंक जी से आज का वास्तु टिप तो बहुत अच्छी बात चली है मयंक जी मन की शांति की बात है तो आज का टिप भी क्या इसी से रिलेटेड है कैसे हाँ, हो सकता है जी नॉर्मली टिप जब देते हैं तो लोगों को लगेगा कि वो बोलेंगे विंड टाइम लगा 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 दो 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 ये हाँ, लगा हाँ, दो, वो क्योंकि मटेरियल चीज को एक्सपेक्ट करते हैं एग्जैक्टली exactly. लेकिन भारतीय वास्तु में ऐसी कोई बात है ही नहीं, नहीं। तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि रिचुअल्स की बात है प्लांट्स की बात है हमारे यहाँ कलर्स की बात है तो अपना जो घर का द्वार होता है उसके ऊपर हमेशा जो आम्र वृक्ष होता है उसके पत्तों का तोरण लगा के रखिए वो आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लाएगा क्योंकि वो पांचों तत्वों का सम्मिश्रण है तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा मतलब मैंगो ट्री का जो मैंगो लीव्स होते हैं हाँ। उसके हो सके तो आप वो इकट्ठा कीजिए उसका तोरण लगाइए अपने घर के द्वार पे बहुत ही अच्छी बात बताई ताकि हमारे घर में पांचों तत्व की एनर्जी हमेशा बनी रहे और हमारी और घर के परिवार के सदस्यों की सुख शांति बनी रहे बातें और भी बहुत सारी है पर यहाँ पे समय समाप्ति का वक्त हो चला है आज के लिए सिर्फ इतना ही पर कल आपसे फिर से मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई नई बातें लेके। तब तक के लिए Take care of yourself and goodbye. Contact Mayank Rawal plus 91 Email ID soham at the rate mayankravel.com and www.mayankravel.com.